जय हिंद दोस्तों, आप सबका सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो यहाँ के हमारे पास मैथ के और रीजनिंग के दोनों जो सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फ्रेंड्स समय सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो 5 से 10 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपका आज का पेपर हुआ है तो आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं कि कितने आपके सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो उपस्थित हैं, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने की जो संख्या हुई है 66, तो आपको व्यक्तियों की संख्या, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपने वैसे लेंथी एक्स मान के किया होगा थोड़ा आपको कैलकुलेशन मिला होगा, बट इसकी सीधी सीधी फॉर्मूला है कि n n n -1/2। सीधा देखो, हमने 12 रखा और यहाँ से एक कम हो जाएगा, 11 दो से काटेंगे 66, मतलब कि हमारा यहाँ से 12 जो आंसर था जो कि सही हुआ होगा। तो आपने जो किया होगा आपका यहाँ से सही हुआ होगा, अगर नहीं किया होगा तो आपका यहाँ से गलत हो गया होगा, अगर आपका गलत आंसर दिया होगा। जैसे कि 11, जैसे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एक्स था, उसमें से कहा गया कि यदि 2 संख्या जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा। देखो पहले तो मैं इसका आंसर क्लियर कर दूं, अगर आपने किया होगा तो एक्स प्लस 1 होगा। बाकी के देखो इसको हम आपको एग्जांपल बता दें, अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो आपने कैसे करना है। जैसे कि 5 संख्या है, इसका औसत देखो आपका हम निकालते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे ये आपका 9 हो जाएगी, 9 और 3 12 हो जाएंगे, 12 और 3 हो जाएंगे 15, 15 में 5 संख्या का डिवाइड तो एवरेज आ जाएगा आपका 3। जब आपको पता चलेगा कि 3 जो 5 संख्या का जो एवरेज है लगातार क्रमागत का 5 है, तो देखो अब ऐसे कैसे करेंगे, हमने इसको 2 की ओर बोला तो हमने 6 और 7। अब देखो जब हमें देखा कि 5 का जब 3 औसत होता सीधे सीधे ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4, मतलब कि 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इस तरीके से कितना ऐसा औसत हो रहा, पहले 3 था अब 4 हो गया, तो मतलब x प्लस 1 इंक्रीज हो रहा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अगला पूछा गया था जो कि जल में 20% की वृद्धि हो जाए, पानी की खपत में 20% की कमी, तो आपको कमी या वृद्धि बताना है कितने प्रतिशत। देखो ऐसे क्वेश्चन का सीधा का जब सेम संख्या सीधा वर्ग कर दीजिए, 20 का 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4। अब देखो ऑप्शन में प्लस भी होगा, कमी और लाभ भाली दोनों होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में सदा हानि होती है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना था, जिसने जिसका भी पेपर था। एक क्वेश्चन था, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल है और विकर्ण के वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है, यहाँ जो पूछा गया था क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका हमारे पास ऑप्शन नहीं मिले थे, बट हमने बता दूं कि जैसे एक वर्ग है, इसका मैंने भुजा मान ली एक, तो इसका रूट क्या हो जाएगा वर्ग 2, तो यहाँ कहा गया कि विकर्ण पर बना दूसरा, तो कह सकते हैं कि इसकी दूसरी भुजा होगी रूट 2 पहले की होगी, तो इसका वर्ग करेंगे 1, इसका करेंगे तो 2, मतलब 1:2 इसका जो आंसर हो जाएगा। ये एक फ्रेंड्स यहाँ से त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है तो, बट आप देख लेना त्रिभुज से संबंधित। एक पूछा गया था रीजनिंग का कि इसका काइनेटिक का मतलब है, तो देखो यहाँ से सीधा सीधा मैं बता दूं, इधर की संख्या, ये सारी संख्या 3 संख्या इधर आगे हो जाएगी, ये पीछे जो एच है एक माइनस कम हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ से देखो ई है, ई में एक कम हो रहा था डी, तो बस ये इसका रूल था, आप ऐसे क्वेश्चन को देख लेना। दिशा से संबंधित क्वेश्चन आए, जल दर्पण से संबंधित आए, फिगर काउंटिंग से आए, विलर्ड रिलेशन से क्वेश्चन आए, और यहाँ से एक रीजनिंग का मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 8, 27, 64, 105, बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ से देखो 2 का क्यूब हो रहा, 3 का क्यूब हो रहा, 4 का क्यूब, इसी तरीके से 7 का क्यूब होता है 343। तो और बाकी के मैं बता दूं आपको, एक पूछा गया था वकील, शिक्षकों और शिक्षितों, तो देखो शिक्षित सभी होते हैं, तो वकील और शिक्षक दोनों क्या हो जाएंगे शिक्षित, तो ये एक फिगर था, अगर आपने किया होगा तो ये सही। लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, कार्य से क्वेश्चन पूछेगा, एसआई से क्वेश्चन, सीआई से 2 क्वेश्चन, और परसेंटेज से। और मैं बता दूं आगे जो एक रीजनिंग से आपको जो पूछा जा रहा है, हर रोज पूछा जा रहा है बैठक सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये देख के जरूर जाना कि हो सकता है कि टेबल की पूछी जाए आपकी में, या पंक्ति की पूछी जाए, या फिर वृत्त में पूछी जाए, तीन तरीके से पूछे जाते हैं, तीनों तरीके से आपको देख के जाना है। और इसके अलावा एक पूछा जैसे कि राम श्याम से बड़ा है, सीता राहुल से छोटी है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्हें भी आप देख के जाना। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी तैयारी है तो आपके मैं आज कह सकता हूँ कि आपका 90 से 100 स्कोर आ जाएगा, जो कि आपका सिलेक्शन के लिए मोस्ट रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लाइव क्लास चलती है, आप उन्हें अटेंड कर सकते हो। सुबह 10 AM चलती है मैथ की, 10:45 पर चलती है GS की। थैंक यू फ्रेंड्स।